हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था, खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम सवाल नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आप क्यों थे, आप समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो। आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बयान आया है कि आप गब्बर गब्बर हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी, गब्बर एक विलेन है, क्या आप विलेन की भूमिका में आएंगे? 28 विधानसभा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की हैं और 28 विधानसभा में एक अपनी ताकत है। उस ताकत के दम पर जो समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडा राज था, उसको माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 7 साल के कार्यकाल में उस गुंडा राज को समाप्त किया और 2800 लोकसभा सीट में, पहले तो 6 लोकसभा सीट जो 19 के चुनाव में हार गए थे, उस 6 को जिताएंगे और उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कंधा मिला करके हम NDA के सभी साथी, सभी घटक दल मिल करके जिताएंगे और मोदी जी को देश के कुर्सी पर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। गरीबों के लिए, गरीबों की सेवा के लिए, उनके मन में उत्साह के लिए, जोश के लिए, जो गरीब का सदियों से गुंडागर्दी के दम पे समाजवादी पार्टी की सरकार में मनोबल दबाया गया था, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हम पूर्वांचल की भाषा में उनको बोलते हैं। उसको आप लोग दूसरी भाषा में समझते हैं, हमारी भाषा दूसरी होती है। नहीं, ये समझ रहे हैं सर, ये समझ रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में मुख्यमंत्री जी नायक हैं, तो उत्तर प्रदेश सरकार में खलनायक मंत्री कैसे हो सकता है? नहीं देखिए, वो खलनायक की भूमिका नहीं था, वो हीरो का भूमिका था। और क्या था? हीरो क्या होता है? हीरो की भूमिका होती ना उसकी। शोले फिल्म में पूछिए हीरो कौन था, खलनायक उसको कहेंगे? कम से कम सवाल नहीं, सवाल के पहले आप लोग भी सोचो कि जब आपके ऊपर कोई आफत आती है तब याद आता है सरकार, याद आता है नहीं आता है? पिछली सरकार में जो गुंडागर्दी हुई गरीबों के, कमजोर लोगों के, शोषितों वंचितों के ऊपर, उसे निपटने के लिए ही ना लामबंदी हुई, ये सरकार बनी है, तो उस सरकार के साथ खड़े हैं तो क्या दिक्कत है? गब्बर सरकार के साथ MLC की एक सीट आप लड़ने की बात कह रहे हैं सर, पीला झंडा पार्टी को, कैंडिडेट 4 लोगों का नाम जाएगा दिल्ली से जो तय होगा। थाने में थाने एक सीट, एक चीज और कार्यकर्ताओं को थाने में पीला झंडा लेकर जाने की बात कर रहे हैं, इससे लोगों को मनमानी नहीं पड़ेगी? सवाल करने से पहले सुना करो, बिना वजह अगर समाजवादी पार्टी का एजेंट बन के आए हो तो दिमाग से निकाल दो, कुर्ता पैजामा पहन लो। हमने सुनो गुनो तब धुनो। मैंने कहा कि आपकी पहचान पीले साफे से है, आप कहीं भी जाओ, थाने पर भी जाओ कार्यकर्ता नेता, तो दरोगा जी के सामने जब वो देखेंगे कि पीला साफा वाला है तो उसको ओम प्रकाश राजभर भी नजर आएगा, और आप उसको झंडा बता रहे हो? नहीं, आप उसको झंडा बता रहे हो, क्या मनमानी बढ़ेगी? मनमानी क्या बढ़ेगी बताओ? ये हम तो लगा के चल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, लाखों लोगों को हम समाज में जीने लायक बना दिए, लाखों लोगों को सामाजिक स्तर उनका सुधार दिए, क्या बात करते हो आप? समाजवादी पार्टी की तरफ से लिख के ले आए हो कि यही पूछना है? अरे पूछो, अगर शिक्षा पे पूछो, बेरोजगारी पे पूछो, समाज में असमानता है उस पे पूछो। जी मंत्री जी, आप जिला पंचायत चुनाव भी लड़ाने की बात कर रहे हैं, 25 विधायक बनाने की बात कर रहे हैं, तो क्या NDA से जो गठबंधन हुआ है सर, वो सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए भी हुआ है या? अरे भाई देखो, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप बताओ, उनसे कहें कि नहीं अब आगे कुछ नहीं होगा, अब उसको आप दूसरे वे पर सोचो, जनता को मैसेज भी देना अपने कार्यकर्ता का मनोबल कैसे बढ़ेगा, वो लड़ाई के जंग में कैसे खड़ा होगा? अब आप लोग इसी नाते देखो, जो हम लोग फ्री हैं तो उधर से सवाल दे दिए जाते हैं कुछ साथियों को, तो हुआ करके बिना वजह का सवाल। देखो ओम प्रकाश राजभर आपकी भी लड़ाई लड़ता है लेकिन कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन आप उसको सवाल नहीं बना सकते कि पत्रकार आयोग का गठन नेताजी आप बोलते हो कब उसको लागू कराओगे, ये सवाल नहीं कर सकते हमसे। दुर्घटना बीमा, फोटोग्राफर दुर्घटना बीमा का सवाल नहीं कर सकते हो, लेकिन अखिलेश यादव ने कह दिया तो सवाल जरूर करोगे आप, लेकिन अखिलेश यादव से ये सवाल नहीं कर सकते कि पिछड़ों का हक क्यों लूटा, मुसलमानों को क्यों धोखा दिया, दलितों का हिस्सा क्यों लूटा, ये नहीं पूछोगे?
नेताजी नाराज नहीं, तेरह नाराज की बात नहीं, सवाल जो हो रहा है उसी पर अभी के लिए फिलहाल इतना ही काफी। बने रहिए हमारे साथ छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगे इजाजत, नमस्कार।